ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज हम बात करेंगे कि आईफोन में हमें कैसे नाइट वाली, रात वाली लो लाइट फोटोज़ कैसे एडिट करनी चाहिए। क्योंकि आईफोन एक ऐसा काम कर रहा है जो सबसे ख़राब लग रहा है, जो कि फ़ोटो का सारा नज़रिया ही ख़राब कर रहा है। मतलब चलो आपको दिखाते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले गाइस आप देख सकते हैं ये डिवाइस आईफोन 6s भी है, और कोई भी आईफोन हो उसके डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे कि कैसा वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लो ये आईफोन 13 होगा तो ये ज़्यादा बेहतरीन एडिट कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई डोंट थिंक सो। हाँ, उसकी फ़ोटो इम्प्रूव हो सकती है। जस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि फ़ोटो ये आईफोन की नहीं है, फ़ोटो ये आईफोन की नहीं है, फ़ोटो DSLR की है। और इसमें मैंने एडिट करने की कोशिश की तो फ़ोटो आप देखोगे क्या बन रहा है। जैसे कि मान लो ये वाली फ़ोटो है, ओके, तो आपको सिंपली आप सबसे पहले या मैं सबसे पहले क्या करता हूँ फ़ोटो को एडिट करने के लिए, सबसे पहले एडिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ऑटो फिल्टर जो आईफोन का रहता है वो मैं डिफ़ॉल्ट अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं लो लाइट वाली फ़ोटो है, मतलब फ्लैश चल रखी है कैमरा की, जो कि डिजिटल DSLR कैमरा होता है, उसकी फ्लैश ऑन रखी है, ऑन हो रखी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आईफोन ने अभी, आप इस सब्जेक्ट की आंखें देख लो, मतलब नॉर्मल जैसे होती हैं वैसे हैं, ओके। जैसे ही मैं ऑटो बटन प्रेस करता हूँ तो आईफोन क्या काम कर रहा है आंखों में आपको खुद नोटिस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आंखों के साइड पे आईफोन ने थोड़ा ब्लैक डॉट डाल दिया है, जिसके कारण उसको ब्लैक डॉट कहाँ डालना है वो समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली आईफोन कोशिश क्या कर रहा है कि जो फेस पे आईज़ के अंदर वाइट डॉट दिख रहा है, ये डॉट दिखना नहीं चाहिए, आईफोन अपनी कोशिश ये कर रहा है। तो लेकिन ये अपनी गलती कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर iOS 15, ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर की ही दिक्कत है, मतलब सॉफ्टवेयर इतनी सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि कहाँ पर मुझे ये ब्लैक डॉट देना है। तो इसको फिक्स आप करना चाहते हैं अगर ब्लैक डॉट को, तो सबसे पहले आप आई वाले सेक्शन पर जाओ और यहाँ पर आपको जहाँ पर भी आपकी रेड आई हो रखी है आपको उस पर टैप करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर सिंपली ये जो ऑप्शन है ये रेड आई के केस में है, लेकिन हमारे केस में आईज रेड हुई ही नहीं है तो आईफोन इतनी सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो काफ़ी हद तक ये उस छोटा कर देता है उस चीज़ को, और आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। अभी मैं बंद करूँगा, ये हो गया बंद और ये हो गया एक्टिव। तो देख सकते हैं आईज़ में थोड़ा अलग सा ग्लो दे देता है आईफोन। तो बाकी मतलब अगर आप इसे सही से नहीं करेंगे ना, सही से कहने का मतलब अगर आप इसे स्पेशली इसे मेंशन हाईलाइट कर देंगे, ऑटो पे क्लिक करके कर देंगे ना, तो ये ख़राब हो जाएगी, आपकी फ़ोटो ख़राब कर देगा। जैसे मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा ऑटो पे क्लिक करके, तो आईफोन देख सकते हैं आंखों में इधर भी क्या कर रहा है, और दोनों ही सब्जेक्ट्स के नहीं, एक ही बंदे के। तो देख सकते हैं ये जो है थोड़ी सी आपकी फ़ोटो को ख़राब करने वाला सीन हो रहा है, तो आपको इस चीज़ को नहीं करना है। आप देख सकते हैं अगर आप लो लाइट फ़ोटो एडिट कर रहे हैं आईफोन में, तो आपको सबसे पहले ऑटो बटन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आंखों में क्या कर रहा है। और अब क्या करना है, ऑटो तो वर्क नहीं करेगा है ना, तो हमें सबसे पहले इसका कंट्रास्ट छेड़ना है, क्योंकि कंट्रास्ट से हमारी फ़ोटो में थोड़ी सी लाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलते हैं कंट्रास्ट वाले सेक्शन में। कंट्रास्ट हमने डिक्रीज़ किया, कुछ हद तक डिक्रीज़ करना, इतना डिक्रीज़ नहीं करना कि हमारा जो फेस है वो ब्लर्ड आउट या उसकी फेस शार्पनेस ही दिखना बंद हो जाए। लो लाइट फ़ोटो में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कंट्रास्ट को इतना डिक्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी या डिटेलिंग ही उतनी ही होती है लो लाइट में, कि अगर हम और कंट्रास्ट कम कर देंगे तो फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। अब इंक्रीज़ करते हैं वाइब्रेंसी को। वाइब्रेंसी मैं इसलिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसके कलर्स बूस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैमरा में थोड़ी सी सैचुरेशन ज़्यादा होने के कारण आपको थोड़े से कलर्स बूस्टेड लग रहे होंगे, लेकिन ये इतने बूस्टेड नहीं हैं। फेस ज़्यादा जो येलो दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं आपको मैं साइड से एंगल से फोकस लेके देखूँ तो दिख रही है इसके डिटेलिंग, बाकी सीधा अगर देखेंगे तो येलो थोड़ा सा दिख रहा है कैमरा के अंदर। तो अब गाइज आप देख सकते हैं फ़ोटो जो है पहले से थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, और अगर आपको विविड लगाना है तो आप सबसे पहले अपने ज़ीरो करो सारे के सारे इफ़ेक्ट्स को, वाइब्रेंसी को ज़ीरो करो और कंट्रास्ट को भी ज़ीरो करो, फिर विविड फिल्टर अप्लाई करो, और विविड इतना ज़्यादा नहीं सेट करना, विविड की इंटेंसिटी 50 से कम कम रखोगे तो नेचुरल लगेगी फ़ोटो। और अब आप कंट्रास्ट को डिक्रीज़ करने के लिए अपनी फ़ोटो को काउंटर बैलेंस कर सकते हो। देख सकते हैं अब विविड भी लग गया, कलर्स भी बूस्ट हो गए और कंट्रास्ट भी काफ़ी सही लेवल का हो गया। और ब्रिलियंस को कम ही इंक्रीज रखना, ब्रिलियंस जो है लाइट फिल कर देता है और फ़ोटो पूरी
विद पूरी फोटो मतलब लाइट से भर जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें अपने आईफोन में कवर करनी है। और बाकी आपको जो भी एक्स्ट्रा करना है, वाइब्रेंसी इंक्रीज़ करनी है कर सकते हैं, सैचुरेशन इंक्रीज़ करनी है कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मली अपनी फ़ोटोज़ को, मेरी बस फोकस इस चीज़ पे था कि ऑटो पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो आईफोन जो है आईज़ में ब्लैक डॉट्स दे देता है, तो इस चीज़ को फिक्स करना है आपको, ध्यान में रखते हुए फ़ोटो एडिट करनी है। सो आई होप गाइज आपको मेरे इस वीडियो से ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।